ये कोई वो राजनीति नहीं है, ये हिंदू मुसलमान करके उसको बांटने की सांप्रदायिक राजनीति है। सोची समझी लड़वा करके जनता को बांट रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अभी अडानी को 13,000 करोड़ जो लोन दिया था स्टेट बैंक से, वो तो आप मीडिया को पता है ना, 13,000 करोड़ लोन दिया था एयरपोर्ट खरीदने के लिए, वही 13,000 करोड़ मोदी जी ने उसको माफ करवा दिया। मेरा आदमी रिक्शा चलाते हैं, जब परेशान हो गई तो मैंने कर्जा करके अपने परिवार को, पति मेरा बीमार पड़ गए, फिर मैंने इलाज कराया, आज मैं वो कर्जा में कैसे भरूं, मैं कहाँ दुकान चला के घर चलाना और कर्जा भी भरना। बहुत जने के बच्चों को बाबू उठा लिया। कौन लोग हैं वो जिनके बच्चों को उठाया है? कौन लोग है? यही ये सब दंगा फसाद कर रही है, नेता सब करवा रहे और हम लोग का ऊपर दोष आ रहा है, सबके बाल बच्चों को उठा रहे गुड़िया। अब देखो बाल बच्चों को सबके उठा रहे बाबू, अब उनके माँ बाप का दिल में क्या दिया? क्या इन सब दिया? किसी ने कुछ बोला? कैसे गुजार हो रहा है, क्या खा रही हो, कैसे क्या हो रहा है? झुग्गी तोड़ दिया, कीचड़ में पड़ी रही, आंधी में पड़ी रही, तूफान में पड़ी रही, बारिश में पड़ी रही, कोई आया था पूछने? नमस्कार, मैं पूजा, आप देख रहे हैं जनहित आवाज। जिस तरीके से देश में बुलडोजर तंत्र का शिकंजा कस चुका है, उसी तरीके से बुलडोजर के नाम पर जो है गरीब लोगों की रोजी रोटी छीनी जा रही है। अभी उसी के चलते मैं यहाँ कश्मीरी गेट मौजूद हूँ और यहाँ पर किस तरीके से आप देख सकते हैं कितने लोग मौजूद हैं कि बुलडोजर की जो राजनीति चल रही है उसको किस तरीके से सरकार अपने तरीके से मनमानी तरीके से चला रही है। अभी सामने देख लीजिए कितने लोग मौजूद हैं, इन्हीं लोगों से बात कर लेते हैं। बुलडोजर चलाना बंद करो। क्या हो गया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शकील अहमद सिद्दीकी, जनरल सेक्रेटरी दिल्ली प्रदेश रेड़ी पट्टी खोमचा हकर्स यूनियन। अच्छा, रेड़ी पट्टी का आपका काम है? हाँ, रेड़ी पट्टी काम है मेरा। हाँ। यहाँ पर अभी जो है बुलडोजर वगैरह चल रहा है क्या, इसलिए आप लोग मौजूद हैं? बिल्कुल, बुलडोजर तो चल रहा है, बुलडोजर तो चार तारीख से चल रहा है और लगातार चलता चला आ रहा है, ठीक है ना। अभी आपका 16 तारीख को वहाँ दंगा हुआ था जहांगीरपुरी में, तो उन्होंने 20 तारीख को बुलडोजर चला दिया, हमारे कम से कम 68 रेड़ी पट्टी वालों को झाड़ दिया, जो हमने सर्वे किया है 68 लोग आए हैं, और हमारी CPIM की नेता वृंदा करात के नेतृत्व में वो रेड़ियाँ वहाँ बांटी गई हैं, बेचारे मजदूर हैं, ठीक है ना। और दूसरा, ये जो मजदूरों के ऊपर हमला हो रहा है, भाई रेड़ी पट्टी वाले हैं क्या? स्वरोजगार हैं वो, तो अपना रोजगार करते हैं, मोदी से कोई उसने रोजगार मांगा हुआ है या मोदी कोई रोजगार दे रहा है? उसे सब रोजगार बंद कर दिए हैं, पब्लिक सेक्टर बेच डाला है, अडानी को दे दिया एयरपोर्ट, LIC बेच डाली है, हैं, और रेलवे बेच डाला है। मोदी जी का बाप का है ये मतलब रेलवे है? सवाल ये है मोदी जी, अब सवाल ये है कि ये जो रोजगार अपना खुद चला रहे हैं, रोजगार तेरे पास है ही नहीं, अपना स्वरोजगार कर रहे हैं, उनको उजाड़ने की कोशिश की जा रही है, क्यों उजाड़ा जा रही है? तो मतलब आपका कहना है कि जो सरकार है वो रेड़ी पटरी और मजदूरों के साथ ही अन्याय कर रही है, उन्हीं का तोड़ है, सांप्रदायिकता को पैदा करके देश में हिंदू मुस्लिम बांट रही है और बाकायदा मजदूरों पर हमला कर रही है। ये वही हाल हो रहा है जिस तरीके से पहले हिटलर करता था, उसी तरीके से ये कर रहा है, हिटलर शाही चला रहा है। और मैं अभी तो ये आपको देख रहे हो, ये तो एक प्रोटेस्ट हो रहा है, अभी हम दिल्ली प्रदेश रेड़ी पटरी वाले पूरे दिल्ली में बाकायदा अभियान चलाएंगे इसके खिलाफ और LG का घेराव करेंगे, LG का घेराव कर देंगे, बिल्कुल LG का घेराव करेंगे, और यहाँ पर पूरे दिल्ली से मतलब हम टेम्पो चलाएंगे रेड़ी पट्टी की तरफ से। मगर अवैध निर्माण किया हुआ है उसी को तो तोड़ रहे हैं। अवैध निर्माण क्या है? अवैध निर्माण कहाँ, इन्होंने अवैध निर्माण तोड़ा है बताइए? ये हमारे रेड़ी पट्टी रोजगार चलाते हैं, ये कोई अवैध निर्माण है? ये अवैध निर्माण तो नहीं है। अभी अभी आपको वहाँ पर चलाया है, आपके शाहीन बाग में, शाहीन बाग को एक निशाना बनाया माइनॉरिटी के नाम से, मुस्लिम रहते हैं वहाँ पर, वहाँ चलाने गए, नहीं चला पाए, क्योंकि हमारी हियरिंग चल रही थी दिल्ली प्रदेश रेड़ी पट्टी खोमचा हकर्स यूनियन और CPIM के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चल रही थी। उस हियरिंग के आधार पर वो वहाँ कुछ नहीं कर पाए, केवल एक नाटकबाजी शाहीन बाग में ही करते रहे, समझ गए? टारगेट किया जा रहा है मुस्लिम्स को, टारगेट करके, बिल्कुल मुस्लिम को क्यों टारगेट किया जा रहा? टारगेट करने का मतलब है कि सत्ता पर पहुंचना। कोई भी धर्म जो है वो सांप्रदायिकता पैदा नहीं करता है, धर्म सांप्रदायिक नहीं होता है, सांप्रदायिक का मकसद होता है केवल जनता को बांट करके सत्ता पर पहुंचना, उसका मेन कारण होता है सत्ता हासिल करना। इसीलिए आज देख रहे हो देश की GDP कहाँ जा रही है, कोरोना काल में बेचारे ये परेशान हुए हैं, और कोरोना काल में कैसे उन्होंने काम किया, लाठियां खाई इन मजदूरों ने, तुमने क्या दिया उनको बताइए, कुछ दिया है?
मोदी ने अमित शाह ने क्या दिया उनको? है कहाँ रहते हैं आप? मैं जामिया रहता हूँ। जामिया रहते हैं, यहाँ पे आए हैं तोड़फोड़, वहाँ पे भी हो रही है। हाँ वहाँ भी हुई, कल जो है आपके खिजराबाद में हुआ उधर साइड, आपके तैमूर नगर साइड, ठीक है ना, मंगोलपुरी कल हुआ है। इनका शेड्यूल चल रहा है, मजदूर उजाड़ रहे हो ना, काम तो दे नहीं पा रहे हो। एक कानून बना है स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014, जिसकी धारा 4 ये कहती, धारा उसकी 3/3 ये कहती है किसी भी वेंडर को आप उजाड़ नहीं सकते जब तक कि उसका सर्वे टाउन वेंडिंग कमेटी के द्वारा ना हो जाए और उसको रजिस्ट्रेशन ना हो जाए, उसको सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग ना मिल जाए और उसको जो है वेंडिंग जोन में जगह ना मिल जाए, तब तक किसी वेंडर को आप टच नहीं करेंगे। तो संविधान किसका है? पार्लियामेंट से पारित हुआ है ना संविधान, उस संविधान को तुम तोड़ रहे हो, क्योंकि मोदी संविधान को नहीं मानता है, नहीं मानता ना इस राष्ट्रीय झंडे को मानता है ना इस संविधान को मानता है, क्योंकि जब संविधान बना था तो उसने कहा ये संविधान की प्रतियां आरएसएस ने जलवाई थी, ठीक है ना। बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं सरकार। बिल्कुल मैं लगा रहा हूँ, संविधान की प्रतियां उस समय आरएसएस ने जलवाई थी और ये चूंकि चोर दरवाजे से पाइपलाइन के जरिए से बाकायदा सत्ता में आया, पाइपलाइन के जरिए से ही ये हर चीज को बेचने में लगा है, पाइपलाइन के कहता ना, पाइपलाइन के जरिए, बिल्कुल पाइपलाइन जरिए से आए हैं कि हम विकास करेंगे, हम ये करेंगे। 7 साल हो गया, क्या विकास किया इन्होंने? डीमोनेटाइजेशन किया, डीमोनेटाइजेशन में जीएसटी भारी भरकम लगा दिया जनता से, इसके बाद उनको काफ़ी छूट दे दी पूंजीपतियों को, छूट दी कि नहीं दी? हमारे रेडी पटरी वालों क्या तुमने छूट दे दी बता दो पहले, क्या दिया? अब ये आपकी रेडी पटरी और ये सब इस पे तोड़फोड़ करने आए, आपको नोटिस दिया, आपको पहले से बताया गया? कोई नोटिस नहीं है भाई, रेडी पट्टी का क्या नोटिस दोगे, क्या नोटिस दोगे? रेडी पट्टी कानून बना उसकी कौन सी नोटिस दोगे? उन्होंने कोई नोटिस किसी को नहीं दिया है, वो कहते हैं इंक्रोचमेंट। नोटिस के ही जो है ये बुलडोजर का पंजा चल रहा है, नोटिस के ये बुलडोजर का पंजा चल रहा है और बुलडोजर चला करके बाकायदा उजाड़ा जा रहा है मजदूरों को। और ये कोई वो राजनीति नहीं है, ये हिंदू मुसलमान करके उसको बांटने की सांप्रदायिक राजनीति है, सोची समझी लड़वा करके जनता को बांट रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अभी अडानी को 13,000 करोड़ जो लोन दिया था स्टेट बैंक से, वो तो आप मीडिया को पता है ना, 13,000 करोड़ लोन दिया था एयरपोर्ट खरीदने के लिए, वही 13,000 करोड़ मोदी जी ने उसको माफ़ करवा दिया। माफ़ करवाया कि नहीं करवाया? अभी तो न्यूज़पेपर में आया हुआ है, वही माफ़ करवा दिया। तो क्या कह रहे हैं, पूंजीपतियों के हित के लिए काम कर रहे हैं और मजदूर वर्ग से जीएसटी लगा करके शोषण, पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ा करके, महंगाई बढ़ रही है चूंकि ये फेल हो चुके हैं, महंगाई ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, पूंजीपतियों को फायदा पहुंचा रहे हैं और महंगाई इतनी चरम सीमा पर है, ठीक है ना, और बेरोजगारी चरम सीमा पर है, शिक्षा का निजीकरण हो रहा है, रोजगार खत्म हुआ जा रहा है, ये और भी बात, क्या हुआ, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम हसीना नाम है। हसीना जी आप कहाँ रहती हैं? जी भवाना जेजे कॉलोनी। भवाना जेजे कॉलोनी, वहाँ पे भी बुलडोजर का पंजा आ चुका है? आ चुका है, 15 तारीख का टाइम दिया है। 15 तारीख का टाइम दिया, नोटिस मिला है आप? जी जी मुझे नहीं मिला, पर मेरे से जो हटके हैं थोड़ा अरसे हैं उनके पास आ गया नोटिस। रो क्यों रही हैं? मैं रो रही हूँ इसलिए कि मेरा एक छोटा लड़का है, वो 2 साल से वो नशा करता है, उसको मैंने 3-3 बार नशा मुक्ति में बंद करवाई, मेहनत मजदूरी करके मैंने पैसे भी भरी हूँ, वो लड़का नहीं मान रहा है, आज 15 दिन से घर पे नहीं आ रहा है। अभी मुड़का थाना से फ़ोन आया कि आपका लड़का ये नाम है, अब मुड़का थाना में बंद है, इसीलिए मैं काम करती हूँ। मैं पहले फैक्ट्री में काम करती थी, अब मैं चाय बेचती हूँ रेडी पटरी में। हाँ मेरे और कौन कौन? मेरा पति है, मेरा एक लड़का है और एक छोटा सी चाय वगैरह लगाने से गुजारा चलता है। जी जी मैं बहुत दुखी। तोड़ने की बात कर दी गई है आपकी चाय पटरी की दुकान को? मेरी बात सुनो, तोड़ दिया, दोबारा तोड़ेंगे। देखो जैसे ये पटरी है ना, पटरी के पीछे कब्रिस्तान है, मेरी झुग्गी भी बनी हुई, रहना सहना भी वहाँ पे है, मेरी आईडी प्रूफ भी उसी झुग्गी की लंबर से ही है, अभी देख सकती हो आप। पर अब जो एक बार 2017 में तोड़ दिया, एक बार 2018 में तोड़ा, आपने न्यूज में भी देखा था। हाँ मैं तो अब फिर वही बात, उस टाइम बोला था कि आपके लिए कहीं जगह दिए जाएगी, तो वो मैंने बहुत तोड़ने से पहले आपको ये बोला गया कि आपको कहीं और जगह दी जाएगी रहने सहने नहीं, की आपके काम काम वगैरह चलता? नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसे नहीं, कुछ ऐसे कुछ नहीं बोला उसने, नहीं कुछ नहीं बोला। देखो मैम मैंने बहुत कर्जा, और देखो
जब झुग्गी तोड़ा आदमी मेरा, ऐसे भी रिक्शा चलाते हैं, मैं जब रिक्शा चलाते हैं आपके, मेरा आदमी रिक्शा चलाते हैं, जब परेशान हो गई तो मैंने कर्जा करके अपने परिवार को, पति मेरा बीमार पड़ गए, फिर मैंने इलाज कराया, आज मैं वो कर्जा में कैसे भरूं, मैं कहाँ दुकान चला के घर चलाना और कर्जा भी भरना। देख सकते हैं आप किस तरीके से इनकी आंखों में आंसू है और किस तरीके से इनका गुजर बसर चलता है, और जो बुलडोजर का पंजा है वो इन्हीं के घरों पर चल रहा है। अभी और भी लोगों से बात करते हैं हम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नूरजान। नूरजान जी, कहाँ रहती हैं? यही दिल्ली में रहते हैं। हाँ, रहती हैं? वही आजादपुर के पास। हाँ, वहाँ पे भी बुलडोजर का पंजा आ चुका है। हाँ, गुड़िया आ चुका है उधर भी। और हम लोग तो झाड़ू पोछा करते बेटा, झाड़ू पोछा करती हैं, इससे घर बसर चल रहा। तो अब ये कह रहे हैं झुग्गी उठा देंगे, बस इसीलिए रो रहे हैं। रहती हैं? हाँ, और बेटी झुग्गी में भी रहती है, उसकी भी एक बेटी को लेके रहती है। ऐसा लग रहा है कि सरकार जो है झुग्गी के नाम और इसके नाम पर कचरा साफ कर रही है। हाँ, कि कचरा बता बोल रहे हैं तो, लेकिन पहले तो बोल रहे थे जहाँ झुग्गी वहीं रह जाएगा, नहीं उठाएंगे। हाँ, तो कह रहे नहीं उठा। और बच्चे हम लोग के भी वही है ना। हाँ, आईडी इन्होंने बनवाया और हर साल हमसे वोट लेते हैं और आज झुग्गी तोड़ रहे हैं, तो ये आईडी किस लिए बनवाया था? वोट लेने के लिए झुग्गी वाले अच्छे और अब उनके लिए कचरे? वोट के लिए तो आप ही के, हम भी तो इस देश के बच्चे हैं, हम भी तो इंडिया के बच्चे हैं, हम कौन से बाहर देश के बाहर बच्चे हैं, हम भी तो इस देश के बच्चे हैं। पर पैदा हमारे बच्चों को यहीं शादी दिया बाबू। कितने साल हो गया आपको यहाँ दिल्ली में? अरे यहाँ तो हम लोग के मेरे माँ यहाँ, जब मैं सुनो, मैं जब 5 साल की थी जब मेरे मम्मी पापा लेके आए थे, मेरे मम्मी पापा बदाऊं के रहने वाले हैं, शुरू से यहाँ दिल्ली में ही रही हैं हमेशा से। दिल्ली में मेरी शादी हुई है, दिल्ली में सब रह रहे आज मेरे बच्चे। आपका नाम क्या है? समीरुल। समीरुल जी कहाँ रहती हैं? बाबा ना जे कॉलोनी। जे कॉलोनी, वहाँ पर भी आ गया बुलडोजर तोड़ने के लिए? हाँ जी। आप भी ऐसी गुजर बसर? हाँ जी, हमारा पास कोई नहीं है, नहीं है। हमारा तो आदमी भी नहीं है, कोई नहीं है। हमारा 3 लड़का है तो वो कोई ऐसे चलता है घर? आप लड़का, एक लड़की काम पे जाता है उसी में चलता है। जब आप मीडिया जब बना रही हो, इसमें तो पहले भी बनाया था 2017 में 2018 में, क्या इंसाफ दिया मुझे बताओ? जब भी तो मुझे इस तरह से भाषण हुआ था, क्या इंसाफ दिया? किसी ने कुछ बोला? कैसे गुजर हो रहा है, क्या खा रही हो, कैसे क्या हो रहा है? झुग्गी तोड़ दिया, कीचड़ में पड़ी रही, आंधी में पड़ी रही, तूफान में पड़ी रही, बारिश में पड़ी रही, कोई आया था पूछने? वो वोट लेने के, ये जो पहचान पत्र आधार कार्ड बना रखे हैं, किस लिए बना रखे हैं, किस लिए बना रखे हैं? हाँ, क्या गरीब हटा रहे? अच्छा, गरीबी नहीं हटा रहे हैं, गरीब को भगा रहे। हाँ, हम तो जाएंगे हटा रहे, ये मोदी हटा रहे और कौन हटा रहे? लड़ाई भी वही करवा रहे, सब कुछ करवा रहे, सब कर रहे, उन्हें करवा रहे और कौन करवाएगा? यही सब करवा रहे, दोनों पार्टी के भी लड़वा रहे और क्या कर रहे? हम तो रेडी पटरी वाले, हमारे उधर भी पुंड उधर फेर के, हमारा एक लड़का कबाड़ा का काम करता, सारे काम खत्म हो गई, 10-12 बोरी खत्म हो गई। किसके बच्चों को उठा लिया? कितने का बच्चों को उठा लिया? अभी भी वो सिलसिला जारी है। बच्चों को उठाया? बहुत जने के बच्चों को बाबू उठा लिया। कौन लोग हैं वो जिनके बच्चों को उठाया है? कौन लोग है? यही ये सब दंगा फसाद कह रहे हैं, ये नेता ये सब करवा रहे और हम लोग का पर दोषा रहे। हाँ, सबके बाल बच्चों को उठा रहे गुड़िया। अब देखो बाल बच्चों को सबके उठा रहे बाबू, अब उनके माँ बाप का दिल में क्या बीते? मतलब ऐसे ही उठा ले जा रहे हैं क्या? हाँ, बोल के कुछ तो किया ही होगा। बहुत क्या दंगा फसाद, गलत फहमी ये कराए किसी ने बाबू? अब बाल बच्चे सबको उठाना अभी जारी है, अब सब डर डर के जी रहे। मतलब इसी दंगे के नाम पे जो है झूठा आरोप लगा के उठा लिया जा रहा है अब बच्चों को? हाँ, और सब बाबू हम लोग डर डर के सो रहे, डर डर के उठ रहे, तो ऐसा कब तक चलता रहेगा? बोलो गुड़े, ये बंद नहीं कर रहे, ये क्या बंद नहीं होगा? ये कैसे चलते रहेगा? हम लोग झाड़ू पोछा करके आके खाते हैं सोते हैं, वो भी डर डर के गुड़िया जी कब क्या हो? अब बच्चे सबको कहाँ भेजे, क्या करें, ये डर डर के जी रहे हैं, तो ये क्या बंद नहीं होगा गुड़िया? हम लोग तो शुरू से यहीं पर हम लोग है, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करा, हम हिंदू मुसलमान भाई भाई मिल के रहते। अब ऐसा ऐसा बुलडोजर फेरा कि सब तबाह कर दिया, मेरे बच्चे को कबाड़ा का गोदाम तबाह कर दिया, 50-60 हज़ार रुपये का नुकसान कर दिया। मैं सब्जी बेचती हूँ, हाँ, मैं सब्जी रेड़ी पटरी लगाती, सब्जी बेचती हूँ। रेड़ी पटरी को भी हटवा दिया? सब हटवा दिया, सब बेकार कर दिया, मेरी रेड़ी भी टूट गई, सब कुछ हो गई। और मैं विधवा औरत हूँ, मेरे सिर पे कोई नहीं देने वाले। एक बेटा है वो कबाड़ा का काम करता, अपने बो बच्चे लेके अलग रहते, उसके 60-70 हज़ार रुपये का कबाड़ा का गोदाम थे वो भी खत्म कर दिया, मेरे रेड़ी भी तोड़ दिया, सब कुछ कर दिया। आज तक सबको कोई कह रहा राशन बांट रहा, कोई कह रहा रेडी दिया, मेरे को ना कुछ भी ना मिला।
कितनी बुजुर्ग हैं आप, आप यहाँ पर खड़ी हुई है घर में तो, और इनके साथ ही उम्र रेड़ी पटरी का नाम है, रेड़ी पटरी लगाते हैं, वही सब्जी बेचते हैं, सब्जी बेचती है इस उम्र में भी, और क्या करें, कहाँ खाएंगे, कहाँ से बच्चे अपने अपना देखते हैं, हम अपना देखते हैं, क्या करें। किस तरीके से महिलाएं जिनके पति नहीं है अपना गुजर बसर करती हैं, ये बुजुर्ग महिलाएं आप इनकी उम्र से अंदाजा लगा सकते हैं, क्या उम्र है माँ आपकी? 70 साल से ऊपर, 70 साल की इनकी उम्र है, मगर ये रोड़ों पे यहाँ घूम रही हैं अपने रोजगार को बचाने के लिए, मगर सरकार जो सत्ता में बैठी हुई है वो लगातार इस तरीके से उन गरीबों के घरों पर ही बुलडोजर चला रही है, इनका कहना भी यही है। जब तक के लिए देखते रहिए जनहित आवाज़, नई दिल्ली।